हेलो बच्चों, आज के टाइम में मोरल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इन शॉर्ट MSc कहते हैं, और ये सभी क्लासेस में एप्लीकेबल है फ्रॉम द क्लास सेकेंड। आज थर्ड क्लास की MSc के ICIC बोर्ड की सारी बुक को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स के बारे में। तो इसमें पहला चैप्टर है बीइंग सेंसिटिव, सेकेंड चैप्टर है से आई एम सॉरी, थर्ड चैप्टर वर्किंग टुगेदर, फोर्थ गुड प्रैक्टिसेस, फिफ्थ केयरिंग फॉर अदर्स, फिफ्थ सिक्स इम्प्रूव योरसेल्फ, सेवंथ फ्रूट्स ऑफ पेशेंस एंड एट चैप्टर इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो इन सभी चैप्टर्स को हम वन बाय वन करके डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सभी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा बीइंग सेंसिटिव। आपको क्या बनना है बेटा? सेंसिटिव बनना है। अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो आप डेविल्स की तरह बिहेव करेंगे। डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ कभी भी आपको फन नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है, कोई वीक स्टूडेंट होता है, कोई हैंडीकैप स्टूडेंट होता है, तो आप लोग क्या करने लगते हैं, उसके साथ फन करने लगते हैं। तो कभी भी आपको किसी के साथ फन नहीं करना है, सबकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। इस चैप्टर में हमें यही बताया जाएगा। चलिए, मनाल एक बॉय है जिसका नाम मनाल है, ब्रॉट हिज स्कूल फ्रेंड, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ आर्यन टू हिज नेबरहुड पार्क टू प्ले। ये लोग आर्यन और मनाल अपने नेबरहुड हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं और पार्क में, पास की ही पार्क में खेलते हैं। आफ्टर प्लेइंग ए फ्यू गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, गेम्स दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड स्पोर्ट्स। बहुत सारा खेलने के बाद ये स्पोर्ट्स और स्कूल के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्यन वाज एन एरोगेंट बॉय, आर्यन जो था वो एक एरोगेंट बॉय था। एरोगेंट मीन्स जो बहुत प्राउड ही होते हैं, बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरों की केयर नहीं करते हैं। ही बिगेन टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव टॉयज, वो स्टार्ट करता है बातें करनी कि अपने एक्सपेंसिव टॉयज के बारे में, बहुत महंगे महंगे टॉयज के बारे में। ही हैड, जो उसके पास है, ही मेड फन ऑफ दोज हु डिड नॉट हैव एक्सपेंसिव थिंग्स, वो दूसरों के साथ फन करता है, मजाक बनाता है उनकी जिनके पास एक्सपेंसिव थिंग्स नहीं है। तो क्या बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताना इस पॉइंट के बारे में, पहला पॉइंट डाल के बताएंगे आप मुझे कि क्या ये बात सही है कि अगर किसी के पास एक्सपेंसिव चीजें नहीं है और आपके पास चीजें हैं तो आप दूसरों का फन करेंगे। अगर आपको ये बात सही लगती है तो राइट यस लिखें, और गलत लगती है तो रॉन्ग लिखें। मनाल वाज ए सेंसिटिव बॉय, मनाल जो था एक सेंसिटिव बॉय था। ही डिड नॉट लाइक आर्यन मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो इस चीज को पसंद नहीं करता था कि आर्यन अपने दोस्तों के साथ मजाक बनाए। मनाल आस्क्ड आर्यन, मनाल आर्यन से पूछता है टू कीप क्वाइट, कि आप, कहता है कि आप चुप हो जाइए एंड स्टॉप इंसल्टिंग एवरीवन, और दूसरों की इंसल्ट यानी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। मनाल सैड आर्यन, मनाल आर्यन से कहता है व्हाई आर यू प्राउड ऑफ हैविंग एक्सपेंसिव टॉयज, वो उसे पूछता है कि तुम्हें अपनी एक्सपेंसिव टॉयज पर इतना प्राउड क्यों है, इतना गर्व क्यों है, इतना घमंड क्यों है। आफ्टर ऑल यू हैव नॉट ब्रॉट देम योरसेल्फ, जबकि आपने वो खुद से नहीं खरीदी है, आपकी खुद की कमाई की वो नहीं है, तो आपको इस बात का प्राउड है। योर पेरेंट्स ब्रॉट देम फॉर यू, आपके पेरेंट्स ने, वो आपके पेरेंट्स की अर्निंग से आई है, आपके पेरेंट्स ने उसको परचेज किया है, ना कि आपने ब्रॉट किया है। मनाल कंटिन्यूड, मनाल लगातार बोलता रहता है इवन इफ यू हैव समथिंग नाइस एंड ब्यूटिफुल यू शुड स्टिल नॉट बोस्ट अबाउट इट, मैं मानता हूं कि अगर आपके पास कोई भी चीज बहुत अच्छी और सुंदर है तब भी आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट नहीं करना है, बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, प्राउड नहीं करना उस पे। मनाल्स ग्रैंडमदर हु वाज सिटिंग ऑन अ बेंच नियर बाई सैड, वहीं पे नियर बाई पास में ही पार्क थी तो वहां पे उसकी मनाल की ग्रैंडमदर भी बैठी हुई थी, वो बेंच पर पास की ही
वो कहती है मनाल आई एम वेरी हैप्पी, मनाल मैं बहुत खुश हूँ दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि आप सही और गलत में डिफरेंस कर सकते हो। बेटा आपके घर में भी ऐसा होता है कि अगर कभी भी आप कोई गलत करते हो सही करते हो तो आपके पेरेंट्स आपके एल्डर्स प्राउड फील करते हैं कि यू आर गुड। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके पेरेंट्स कहते हैं अरे वाह हमारा बेटा तो बहुत अच्छा हो गया है, वो तो अच्छा करने लग गया है। यू आर ऑल्सो ए गुड फ्रेंड, और तुम एक अच्छे फ्रेंड भी हो। अगर कोई आपका फ्रेंड एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है, व्हाट इज अ गुड फ्रेंड, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी नजरों में एक गुड फ्रेंड क्या होता है। मेरे लिए वो है जो आपको अगर आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो तो वो आपको करेक्ट करे, अगर आपको कभी भी नीड है उस आपकी हेल्प की तो वो आपकी हेल्प करे, जो आपको राइट डायरेक्शन पर ले जाए, रॉन्ग डायरेक्शन पर अगर आप जा रहे हो तो आपको समझाए, उसे हम कहते हैं गुड फ्रेंड। आप क्या समझते हो आपके लिए कौन सा फ्रेंड गुड है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। यू स्टूड अप फॉर योर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड्स के लिए खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रांड मदर नाउ टर्न टू आर्यन एंड सैड, तभी ग्रांड मदर आर्यन की साइड टर्न करती हैं और बोलती हैं चाइल्ड यू शुड नेवर इंसल्ट एनीवन, आपको बेटा कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। बीइंग रिच और पुअर इज नॉट इम्पोर्टेंट, अमीर और गरीब बनना, पुअर और रिच बनना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वन शुड बी ए गुड पर्सन, क्या जरूरी होता है बेटा, यू शुड बी अ गुड पर्सन। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके पास बहुत ज्यादा मनी नहीं है तब भी आप हैप्पी रह सकते हैं, लोग आपकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा मनी है और आप एक गुड पर्सन नहीं हो तो लोग आपसे हेट करते हैं। यू शुड बी हम्बल एंड मॉडेस्ट, आपको हमेशा क्या होना चाहिए, हम्बल एंड मॉडेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सी कंटिन्यूड गॉड इज वॉचिंग ओवर अस, वो लगातार बोलती जाती है कि भगवान सब कुछ देखता हुआ है, भगवान हमें देखता है। ही डज नॉट लाइक पीपल हु आर प्राउड एंड एरोगेंट, भगवान जो गॉड है वो पसंद नहीं करता उन लोगों को जो कैसे होते हैं, प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं अपने आप पर, घमंड करते हैं और एरोगेंट होते हैं। थिंकिंग ओवर इट, इसके बारे में सोचो। आर्यन रियलाइज हिज मिस्टेक, आर्यन को जब मनाल ने उसको समझाया और इसकी ग्रांड मदर ने उसको समझाया तो आर्यन को अपनी गलती रियलाइज हो गई। और अगर किसी इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है तो ही इज अ गुड पर्सन, बस वो थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो अच्छा ही इंसान होता है। एंड डिसाइडेड नेवर टू स्पीक एरोगेंटली अगेन, और उसने डिसाइड किया वही कि वो कभी भी आगे से एरोगेंटली बात नहीं करे, एरोगेंट से नहीं बोलेगा, सबके साथ अच्छे से बोलेगा। ही प्रोमिस्ड टू रेस्पेक्ट एवरीवन, उसने प्रोमिस किया कि वो सबकी रेस्पेक्ट करेगा, सबका आदर करेगा। देन द चिल्ड्रन रिटर्न होम, तब बच्चे अपने घर को वापस चले गए। मनाल प्रोटेक्टिवली हेल्ड हिज ग्रांड मदर्स हैंड एज दे वॉक बैक, मनाल ने अपनी ग्रांड मदर, क्योंकि वो ओल्ड थी, जब भी आप भी अपने ग्रांड पेरेंट्स के साथ चलते हो तो उनका हाथ पकड़ के चलते हो कि वो वीक हो जाते हैं बेटा, तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए, तो मनाल ने भी वही किया और वो भी अपने घर की तरफ चल दिया। मनाल इज ए रेस्पॉन्सिबल बॉय, मनाल कौन था, एक रेस्पॉन्सिबल, क्या आप भी रेस्पॉन्सिबल बॉय हैं? अब जो बच्चे रेस्पॉन्सिबल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वी आर रेस्पॉन्सिबल। ही टेक्स केयर ऑफ हर व्हेन सी इज नॉट वेल, वह अपनी ग्रांड मदर की टेक केयर करता है जब वो ठीक नहीं होती है। ही स्पेंड टाइम विद हर, वो अपनी ग्रांड पेरेंट के मदर के साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करता है। बेटा आपको भी हमेशा मोबाइल में नहीं लगे रहना है, अपने ग्रांड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फादर के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दे आर
लाइक गुड फ्रेंड्स, और वे अच्छे दोस्तों को पसंद करता है। ही लर्न्स अ लॉट फ्रॉम हर, वो उनसे बहुत कुछ सीखता है। एंड हिज अदर एल्डर्स, और अपने अदर एल्डर्स जो भी आप उसके घर के बड़े हैं, हमें बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपके क्लास पर्पज से होते हैं। आई लर्न, क्या आपने लर्न किया टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लर्न किया बेटा, कि हमें दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। नॉट टू बी प्राउड और एरोगेंट, कभी भी हमें एरोगेंट या प्राउडी नहीं होना चाहिए। नॉट टू इंसल्ट अदर, कभी हमें दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। नॉट टू शो ऑफ, ना ही चीजों को शो ऑफ करना चाहिए। अगर आपके पास एक कॉस्टली वॉच है और आप कह रहे हो अरे यार मेरे पास इतने की वॉच है, तो दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, उसे कहते हैं शो ऑफ। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन, ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक अच्छा इंसान बने। वी शुड लर्न फ्रॉम एल्डर्स एंड लुक आफ्टर देम, हमें एल्डर्स से अपने बड़ों से सीखना चाहिए और उनको देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा, बी सेंसिटिव में। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यू वर्ड्स आपके लिए। सेंसिटिव मीन्स होता है केयरिंग फॉर अदर्स। एरोगेंट मीन्स होता है थिंकिंग यू आर बेटर देन अदर्स, अपने आप को बहुत अच्छा समझना और दूसरों को बहुत बेकार समझना, क्या कहलाता है, एरोगेंट। डिफ्रेंशिएट टू रिकॉग्नाइज व्हाट मेक्स समवन और समथिंग डिफरेंट। डिफ्रेंशिएट, दो चीजों में डिफरेंस करना, मतलब कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, कंपैरिजन करने को डिफ्रेंशिएट करना कहते हैं। ह्यूमिलिटी कहते हैं बीइंग मॉडेस्ट, अच्छा बनना। इंसल्ट बीइंग रूड टू अदर्स, इंसल्ट कहते हैं जब दूसरों के लिए आप बहुत रूड हो जाते हो, बहुत ही बदतमीज से बात करते हो, उनसे कुछ भी बोल देते हो, उसे बोलते हैं इंसल्ट करना। रेस्पॉन्सिबल बीइंग ड्यूटीफुल, बीइंग रेस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जो आपकी जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज को, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से करना। फिर यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं इस चैप्टर में। गुड नीड्स, आर्यन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड नेवर स्पोकन एरोगेंटली एवर अगेन। तो ये क्या थी, गुड नीड थी, गुड डीड थी जो उसके फ्रेंड ने उसको बताई थी। उसके बाद है बी हम्बल, वी शुड बी हम्बल एंड थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, जो भी हम हैं उसके लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और हमेशा हमें हम्बल बनना चाहिए। हमें हमेशा कंप्लेन नहीं करते रहना चाहिए, हमारे साथ पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। वी शुड नॉट बोस्ट अबाउट आवर ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, स्पेशली टू दोज हु हैव लेस। कभी भी हमें अपनी चीजों को बोस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को सबके, स्पेशली उनके सामने जिनके पास उन चीजों की कमी है। मतलब आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं और एक बच्चा ऐसा जिसके पास टॉयज नहीं है, आपके पास बहुत कॉस्टली क्लॉथ है, एक बच्चा ऐसा जिसके पास कॉस्टली क्लॉथ नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीजों को बोस्ट करोगे, शो ऑफ करोगे, उसकी इंसल्ट करोगे कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तो उससे वो क्या फील करने लगेगा, इन्फीरियरिटी फील करने लगता है बेटा, और वही बैड हैबिट होती है। तो आपको कभी भी अपनी चीजों को कोई हाईलाइट करके नहीं दिखाना होता है, शो ऑफ नहीं करना होता है, बोस्ट नहीं करना होता है। अब बेटा हम इसमें वर्कशीट दी हुई है उसको देखेंगे। पहला है टिक द करेक्ट, टिक इफ करेक्ट एंड क्रॉस इफ रॉन्ग। मनाल वाज ए एरोगेंट बॉय, बताइए आपने, रॉन्ग, क्योंकि मनाल तो एक सेंसिटिव बॉय था। कौन था एरोगेंट बॉय, आर्यन। आर्यन वाज ए सेंसिटिव बॉय, नहीं, ये क्रॉस कर देंगे दोनों में ही, दोनों ही क्रॉस हैं। मनाल आस्क आर्यन टू इंसल्ट हिज फ्रेंड्स, गलत। गॉड डज नॉट लाइक हु आर प्राउड एंड एरोगेंट, भगवान उनको पसंद नहीं करता है जो प्राउड और एरोगेंट होते हैं। बिल्कुल सही, यही तो बताया गया है। गॉड किसको पसंद करता है, जो सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, जो प्राउड नहीं करते हैं उनको पसंद करता है। ग्रैंड मदर प्रेज्ड मनाल बिकॉज ही डिड नॉट हर्ट अदर्स, बिल्कुल मनाल बहुत अच्छा था, सेंसिटिव था, इसीलिए ग्रैंड मदर ने उसको क्या किया था, प्रेज किया। प्रेज करना मतलब तारीफ की थी।
इसी चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें मिस्टेक, एरोगेंट, गॉड, सेंसिटिव, केयर्स कुछ वर्ड्स हैं। बेटा आप आसानी से ऊपर से स्पेलिंग देख लेंगे। यहाँ पे मनाल वाज अ सेंसिटिव बॉय, आर्यन वाज अ एरोगेंट बॉय, मनाल ग्रांड मदर सैड वॉट गॉड इज वॉचिंग ओवर अस। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। फिर भी हेल्प के लिए आप चेक करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आर्यन रियलाइज हिज मिस्टेक, ही नेवर स्पोक एरोगेंटली एवर अगेन। मनाल टेक्स केयर ऑफ हिज ग्रांड मदर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उन पे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, वो डेफिनेशंस लिखनी है उनकी। सेंसिटिव मीन्स होता है केयरिंग फॉर अदर्स, प्राउड होता है फॉलिंग प्लीज्ड एंड शो ऑफ, रेस्पॉन्सिबल होता है बींग ड्यूटीफुल, मैंने पीछे भी बता दिए हैं। केयर मीन्स होता है लुकिंग आफ्टर समबडी। ओके, ये सभी ये क्वेश्चन है। वेयर डिड मनाल टेक आर्यन, मनाल आर्यन को कहाँ ले गया था, तो कहाँ ले गया था, पार्क में। हाउ, जो नेबरहुड में उसकी पार्क थी वहां पर। हाउ डिड आर्यन बिहेव एरोगेंटली, कैसे बिहेव कर रहा था, एरोगेंटली। चैप्टर से मैंने कराए हुए हैं। ही डिड, व्हाट डिड मनाल टेल आर्यन, क्या बोला उसने कि आपको दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट इंसल्टिंग अदर्स एनीवन और। व्हाट इज इट दैट गॉड डज नॉट लाइक इन अ पर्सन, क्या पसंद नहीं करता है गॉड किसी पर्सन में, प्राउड एंड एरोगेंट। व्हाट डिड ग्रैंड मदर लाइक अबाउट मनाल, बिकॉज क्या, मनाल वॉज अ सेंसिटिव बॉय, सेंसिटिव बॉय हु टेक केयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की केयर करता था। पॉइंट्स ऑफ व्यू में आप यहाँ पे, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी हम्बल, हाउ कैन वी डू दिस, तो यहाँ पे आप यू अपनी चॉइस से आंसर्स दे सकते हैं। यहाँ पे ये खुद के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये कुछ चैप्टर के बारे में था, आपको आई होप कि ये पसंद आया होगा। और इस चैप्टर में फिर ये कल्टीवेट वाला पार्ट है, ये आप खुद से देख लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।